listen, guys. Oh! हेलो गाइस, मैं हूं नीतीश। और भाई, आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल की होने वाली है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारे पास है पानी, और भाई पानी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी के लिए। और इस पानी के अंदर होता है पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके, यानी पानी को यूज करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अभी से ही लाइक का बटन जरूर से आप ठोक दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, ये है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने वाला कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर। और भाई, इसके लिए जो चाहिए हमें, फर्स्ट में एक टरबाइन चाहिए। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का टरबाइन है, और ये टरबाइन यहाँ पे इस पुली के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। इसे फिट कर दिए और ये अब ऐसे रोटेट करने लगेगा। और एड के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक टरबाइन होता है कुछ इसी तरह से। ये थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे जो आप टरबाइन देख रहे हैं, टरबाइन का ब्लेड है, और टरबाइन के ब्लेड पे जैसे ही पानी गिरेगा तो यहाँ ये रोटेट करने लगेगा, और ये रोटेट करके यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट कर देगा। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, सीधे आ जाएगा इस पुली पे। यहाँ पे जो आप गियर देख रहे हैं, गियर पे आ जाएगा। और गाइस, यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है, वो सीधे आ रहा है एक बेल्ट की मदद से एक डायनेमो तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायनेमो का जो गियर है, इस पे आ जा रहा है। और ये डायनेमो जैसे रोटेट करेगा, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को सीधे चेंज कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आउटपुट में हमने बल्ब भी लगा दिए हैं, इसका लोड में बल्ब लगा हुआ है। और इसकी जो गियर रेशियो है, 1:12 का है, यानी कि ये जो टरबाइन है, एक बार रोटेट करेगा तो ये जो मेरा डायनेमो है, ये 12 बार रोटेट करेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, पूरा प्लाईबोर्ड का बना हुआ है, और इसे बनाने में पूरा 2 दिन का वक्त लगा है। तो इसके लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा आप। तो आइए अब इसका टेस्ट करते हैं, ये कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा या फिर नहीं करेगा। और गाइज, आ गए अब टेस्ट करने के लिए, और देखते हैं क्या हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी को बना पाते हैं या फिर नहीं, और देखेंगे ये बल्ब जलता है कि नहीं। यानी कि जो ये मेरा बल्ब जल जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया है। और इस चीज़ को हमने पहले ट्राई नहीं किए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। चालू करो। ओ गाइज, आ गया। ओ और भाई साहब, आप देख सकते हैं, और गाइस ये जो बल्ब है फ्लक्चुएट कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे टरबाइन पे अच्छा से पानी ना जा रहा है। भाई चल जा थोड़ा सा हम इसका, ओ भाई, और इसको जैसे हम दबाएं हल्का सा पाइप को, आप देख सकते हैं कंटिन्यू जल रहा है। और भाई आप देख सकते हैं, मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। ओहो, और भाई इसे हटाते ही बंद हो जाता है, और ये चालू करने के लिए, ओ भाई, और देख सकते हैं आप, आधा पानी को जब बाहर निकाल रहे हैं तो आधा पानी से कुछ कम करंट जनरेट हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस पर थोड़ा सा प्रेशर और डालेंगे तो ये और जनरेट करने लगेगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जनरेशन हो रहा है। तो राइट गाइस, अभी आपने देखे कि किस प्रकार से पानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रहा था। जो पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसे चेंज कर रहा था मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी से सीधे चेंज हो रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसा एनर्जी है कि इसे आप जहाँ तक भी लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ तक भी आसानी से इसे लेकर जा सकते हैं केबल के थ्रू। तो था ना काफ़ी मस्त वीडियो, और इस प्रोजेक्ट को आप अपने कॉलेज में भी बनाकर दे सकते हैं, बिल्कुल इजी इसका प्रोसेस है बनाना भी। अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। इसे पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि कैसे हवा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है, उसमें इसका पूरा मैकेनिज्म को बनाकर बताया गया है, तो आप उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई आप देख सकते हैं, मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। ओहो, और भाई इसे हटाते ही बंद हो जाता है, और ये चालू करने के लिए, ओ भाई।